MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे IPMT और PPMT functions का उपयोग करना। आजकल कई लोन आसानी से मिल जाते हैं और अधिकतर हम लिया गया लोन हर महीने किश्तों में चुकाते हैं। किश्तों का मूल्य पता करने के लिए PMT function बहुत काम में आता है। उसी तरह IPMT function से हम लोन पेमेंट के इंटरेस्ट यानी ब्याज के बारे में और PPMT function से हम लोन पेमेंट के प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन के बारे में पता कर सकते हैं। अर्थात इन दोनों फंक्शन से हम ये जान सकते हैं कि हर महीने हम जो किश्त भर रहे हैं उसमें ब्याज कितना है और मूलधन कितना है। चलिए एक्सेल शीट में एक एग्जांपल की सहायता से हम ये समझ लेते हैं। हमने 6 लाख का कार लोन 12% सालाना ब्याज पर 4 साल के लिए लिया है और हमने पीएमटी फॉर्मूले की सहायता से हर महीने जो किश्त हम भरने वाले हैं वो निकाल ली है। पीएमटी फॉर्मूले के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हम आईपीएमटी फॉर्मूले की सहायता से ये देखते हैं कि इस किश्त में हमने ब्याज कितना दिया है। उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू के साइन के बाद टाइप करेंगे आईपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहला आर्गुमेंट है रेट, हमने रेट लिए हैं 12%, इस पर क्लिक कर देंगे। चूंकि रेट नेट पीरियड और प्रेजेंट वैल्यू तो फिक्स्ड ही हैं, यानी वो चेंज नहीं होंगे, केवल मंथ यानी पीरियड बदलेगा, तो हम रेट नेट पीरियड और प्रेजेंट वैल्यू को फिक्स कर देंगे जिससे कि हमें फॉर्मूला कॉपी करने में आसानी होगी। उसके लिए हम आर्गुमेंट क्लिक करने के बाद F4 की प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये डॉलर वाला साइन लग गया है, इसका मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू है। अब इसे 12 से भाग देंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट सालाना होता है और साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने हम किश्त भरेंगे इसलिए हम 12 से भाग देंगे। कॉमा लगाने के बाद पीरियड यानी मंथ पर क्लिक करेंगे। हम 1 पर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हम पहले महीने की किश्त का इंटरेस्ट अमाउंट निकाल रहे हैं। ये आर्गुमेंट हर महीने बदलेगा इसलिए हम इसको फिक्स नहीं करेंगे। कॉमा लगाने के बाद नेट पीरियड पर क्लिक करेंगे जो कि हमने 4 साल लिया है। 4 पर क्लिक करने के बाद F4 की प्रेस करेंगे जिससे ये वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। इसे हम 12 से गुणा करेंगे क्योंकि नेट पीरियड सालों में लिखा जाता है और हमारी किश्तें महीनों में होंगी। कॉमा लगाने के बाद लोन राशि पर क्लिक करेंगे यानी प्रेजेंट वैल्यू पर जो कि 6 लाख रुपए है। F4 की प्रेस करके इसको भी फिक्स कर देंगे और अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। हमें ये वैल्यू मिली है, हम कॉमा स्टाइल से इसका फॉर्मेट बदल देंगे और डिक्रीज डेसिमल की सहायता से डेसिमल के बाद की वैल्यू को राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हमारी पहले महीने की किश्त में इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो इतना है यानी 6000 रुपए है। किश्त है हमारी 15,830 रुपए की जिसमें कि ब्याज जो हम पे कर रहे हैं इस अमाउंट के अंदर वो है 6000 रुपए। चूंकि हम हर महीने की किश्त का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर मंथ वाले कॉलम में पूरे 4 साल तक के मंथ्स एंटर कर दिए हैं यानी 48 महीने यहाँ पर हमने पहले ही डाल दिए हैं। अब हम बाकी महीनों का भी इंटरेस्ट अमाउंट निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले महीने का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस पर क्लिक करके यहाँ कॉर्नर से माउस को नीचे ड्रैग कर देंगे। 48 तक इसको लाकर ड्रैग करके छोड़ देंगे तो ये देखिए हमें अगले 48 महीनों का इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया है।
हर महीने की किश्त में हम कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहे हैं वो हमको यहाँ से अब पता चल सकता है। अब हम पीपीएमटी फॉर्मूले की सहायता से ये देखते हैं कि किश्त में हमने प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया। उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू के साइन के बाद टाइप करेंगे पीपीएमटी, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है रेट, इसके लिए हम 12% पर क्लिक करेंगे। इसे भी हम F4 की प्रेस करके फिक्स कर देंगे क्योंकि यह वैल्यू फिक्स रहने वाली है। अब इसको 12 से भाग देंगे। कॉमा लगाने के बाद पीरियड यानी मंथ पर क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, नेट पीरियड पर क्लिक करेंगे। यहाँ 4 पर क्लिक करने के बाद हम इस वैल्यू को भी फिक्स करना चाहते हैं, इसलिए F4 की प्रेस करेंगे। अब हम इसको 12 से गुणा कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद लोन राशि पर क्लिक करेंगे यानी प्रेजेंट वैल्यू पर क्लिक करेंगे। F4 की प्रेस करके हम इसको भी फिक्स कर देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। हमें ये वैल्यू मिली है, कॉमा स्टाइल से हम इसका फॉर्मेट बदल देंगे यानी ये जो डॉलर का निशान वो हमने हटा दिया, और डिक्रीज डेसिमल की सहायता से डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है उसको भी राउंड ऑफ कर देंगे। अब ये देखिए हमारे पहले महीने की किश्त में इतना प्रिंसिपल अमाउंट है। इसी तरह हम बाकी महीनों का भी प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले महीने का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर क्लिक करके यहाँ कॉर्नर से माउस को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ये पूरे 48 महीने तक ला करके हम इसको छोड़ देंगे। ये देखिए अगले 48 महीनों का प्रिंसिपल अमाउंट हमको मिल गया है। तो अब इस टेबल से आप देख सकते हैं कि हर महीने की किश्त में हम कितना ब्याज भर रहे हैं और कितना प्रिंसिपल अमाउंट भर रहे हैं। हम पहले महीने का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जोड़कर देखते हैं। ये देखिए ये हमारे पहले महीने की किश्त है और ये जो अमाउंट है वो हमको पीएमटी फॉर्मूले की सहायता से भी मिला था। यहाँ पर हमने डिक्रीज डेसिमल की सहायता से डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज है उसको राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए 0.30 यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अब ये जो पहले महीने की किश्त आई है उस पर क्लिक करके माउस को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, इससे हमें अगले 48 महीनों की किश्त भी मिल जाएगी। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि टोटल वाले कॉलम में हमें सेम अमाउंट नजर आ रहा है क्योंकि हर महीने जो हमको किश्त भरनी है वो है ये 15,800। अब हम इंटरेस्ट अमाउंट का और प्रिंसिपल अमाउंट का टोटल निकाल लेते हैं। ये देखिए ये वो टोटल है, टोटल वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली वो टोटल आ गया है जो हमको अगले 48 महीनों में राशि देनी है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि 6,00,000 रुपए का जो हमने लोन लिया उस पर हमको ब्याज सहित 7,58,414 रुपए 48 महीनों में देना है। MSXL 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा IPMT तथा PPMT फंक्शन का उपयोग करना।